हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा PGT 2016 कृषि प्रश्न पत्र की। क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ली जाती है? ऑप्शन ए अमोनियम और नाइट्रेट, बी N2 और NO, सी NO और NO2, डी अमोनियम HNO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, ए अमोनियम एंड नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवार नाशी है? ऑप्शन ए डाइक्वाट, बी मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, सी कोलाइगो, डी ब्रोमेसिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलाइगो, एक सूक्ष्म खरपतवार नाशी या माइक्रो हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुण क्षेत्रीय अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ब्लास्टिट्स, सी प्लाज्मिड्स, डी मीजोसोम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के जनक हैं? ऑप्शन ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ, डी जेम कीन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लवण रोधी फसल है? ऑप्शन ए पी, बी लेमन, सी सुगर बीट, डी काउपी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुगर बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? ऑप्शन ए जिप्सेशियस, बी जिप्सीफेरस, सी जिप्राक, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिप्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बी साइट्रिक एसिड, सी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है? ऑप्शन ए स्यूडोस्टम, बी राइजोम, सी सकर्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्यूडोस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिक होगी? ऑप्शन ए बाजरा, बी मोथ बीन, सी क्लस्टर बीन, डी ज्वार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है? ऑप्शन ए लिया, बी लीजा, सी हिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लीजा। दोस्तों, इसका फुल नेम होता है ऑप्शन ए का लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, और लीजा का होता है लो इनपुट लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सी हिया का होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 11, द मेन सिम्टम ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज इज? ऑप्शन ए सनकेन आइज, बी खूनी दस्त, सी तीव्र नब्ज और हृदय दर्द, डी मुख और पैरों में छाले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुख और पैरों में छाले। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन की लागत सिद्धांत प्रयोग करते हुए निम्नतम की जा सकती है। ऑप्शन ए लाभ का नियम, बी अवसर मूल्यों का नियम, सी न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, डी मूल्य सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओरो बैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं चना, बी बाजरा मक्का, सी सरसों तंबाकू, डी कपास बरसीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मस्टर्ड टोबैको या सरसों तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, PRA का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट चैम्बर्स, बी नील रॉलिंग्स, सी बेंडेन वैन, डी पॉल लीगन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट चैम्बर्स। PRA का फुल नेम होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी न्यूक्लियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 16, जैव उद्दीपकों के मुख्य चार समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए ह्यूमिक सब्सटेंस, बी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, सी पादप वृद्धि बढ़ाने वाले जीवाणु, डी ये सभी। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी यूरिया, डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। ऑप्शन ए धान गेहूं मक्का, बी गन्ना कुसुम अरंडी, सी मूंगफली तंबाकू पपीता, डी प्याज लहसुन और सब्जियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुगर कैन, सैफ्लावर, कैस्टर या गन्ना कुसुम अरंडी। उसने हरी हरी जल प्रणाली हिंदी में इसका गलत दिया गया, ये डीप रूट सिस्टम वाले फसल चक्र का चयन करना है जिसमें शुगर कैन, सैफ्लावर और कैस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव, बी सुपरविजरी, सी अथॉराइटेटिव, डी कैटालिटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैटालिटिक की भूमिका निर्वहन करता है प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ताज़ा दूध का पीएच है? ऑप्शन ए 6, बी 6.7, सी 7.2, डी 7.7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय है? ऑप्शन ए किसानों के स्वामित्व वाली भूमि क्षेत्रफल, बी किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, सी किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, डी किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य रोटी गेहूं या टिटकम स्टिबम जिसमें 2 n = 42 1 है? ऑप्शन ए हेक्साप्लॉयड, बी डिप्लॉयड, सी टेट्राप्लॉयड, डी मोनोप्लॉयड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ये हेक्साप्लॉयड है, कॉमन ब्रेड व्हीट का बोटनिकल टेट्रम स्टीवम और बटन क्रोमोजोम नंबर 42 है जो हेक्साप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 23,
सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्न में से माना गया है। ऑप्शन ए रेजिडुअल मल्चिंग, बी क्रॉप रोटेशन, सी सीड प्रिडेशंस, डी इंटरकल्टीवेशन। इसका सही उत्तर है सीड प्रिडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं का मामा खरपतवार किस फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन ए साइप्रेसी, बी ग्रैमिनी, सी नंबर आर्द महीनों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रैमिनी। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरित कराया जाता है तो कहलाता है? ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, सी मास सिलेक्शन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत के क्षय के कारण है मुख्यतः? ऑप्शन ए वैश्विक तापन होता है, बी अल्ट्रा वायलट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, सी एक्सेस रेनफॉल, डी एसिड ड्रेन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर्स काजेस मतलब मींस ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों की कुछ प्रकारों को उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए यूरिया, बी फास्फोरिक एसिड, सी क्लोरोफार्म, डी बोरिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं विशेषता? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स में, बी लाइजोसोम्स, सी गॉल्जी बॉडीज, डी माइटोकांड्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज है? ऑप्शन ए ब्रीडर सीड, बी फाउंडेशन सीड, सी न्यूक्लियस सीड, डी रजिस्टर्ड सीड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूक्लियस सीड। क्वेश्चन नंबर 30, उष्मरोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है? ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी, बी मैंगो, सी सिट्रस, डी एप्पल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? ऑप्शन ए इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, बी कंपैरेटिव एडवांटेज, सी लॉ ऑफ रिटर्न्स, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपैरेटिव एडवांटेज या तुलनात्मक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः प्रभावित करता है? ऑप्शन ए थन को, बी टांग को, सी पूंछ को, डी माउथ को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सोडियम परऑक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन सेलुलर रेस्पिरेशंस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया, बी प्लास्टिड्स, सी पराग्जिसोम्स, डी साइटोप्लाज्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पराग्जिसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है ऑप्शन ए फॉर्मल एंड पर्सनल इन नेचर, बी इनफॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन नेचर, सी फॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन नेचर, डी इनफॉर्मल एंड पर्सनल इन नेचर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मल एंड पर्सनल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बीटी कॉटन इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कॉटन वैरायटी हैविंग द फीचर ऑफ ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट, बी फंगिसाइड टॉलरेंट, सी हर्बिसाइड टॉलरेंट, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हार्मोन बेस्ड प्लांट बायोरेगुलेटर। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी पॉलियोमिन्स, सी नाइट्रिक एसिड, डी सैलिसिलिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ के समय अधिकतम होगी। ऑप्शन ए वाइड स्पेस, बी मध्यम गहन पादप संख्या, सी अत्यंत गहन पादप संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस समय जब फ्लावरिंग होगी पौधों में तो सबसे अधिक कंपटीशन होगा। जब इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी वेरी डेंस स्टैंड्स, जब पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो पुष्पन के समय पौधों में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भ्रूण पोष इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ ऑप्शन ए ऑर्किड्स, बी व्हीट, सी कैस्टर, डी मेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑर्किड्स में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जनरली ए सोयाबीन सीड्स कंटेन्स ऑप्शन ए 20% तेल और 40% प्रोटीन, बी 20% तेल और 20% प्रोटीन, सी 40% तेल और 40% प्रोटीन, डी 40% तेल और 20% प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20% तेल और 40% प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। समिति इज स्टेट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर ऑप्शन ए आत्मा, बी मनरेगा, सी एनआरएलएम, डी एसआरएलएम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्मा के अंदर समिति अंतर्गत समिति काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मिल्क फीवर इज ए कैटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, बी रिड्यूस्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, सी इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन ब्लड, डी रिड्यूस्ड शुगर लेवल इन ब्लड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिड्यूस्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जब उत्पाद वनस्पति फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं गहनता उत्पाद संबंध है ऑप्शन ए एसिम्प्टोटिक, बी पैराबोलिक, सी नॉन पैराबोलिक, डी लीनियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिम्प्टोटिक उपगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज एंड माल्टोज, सी ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, डी फ्रक्टोज एंड गलेक्टोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बोथ एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक टाइप्स ऑफ रूट्स सिस्टम इज फाउंड इन ऑप्शन ए बाजरा, बी सोरघम, सी फिंगर मिलेट, डी मेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेज। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46, शॉर्ट डे प्लांट्स आर, ऑप्शन ए शॉर्ट नाइट प्लांट, बी लॉन्ग नाइट प्लांट्स, सी लॉन्ग डे प्लांट्स, डी डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स जनरली होते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कम्युनिकेटर इज द करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ, ऑप्शन ए लिगेंस, बी लेजबेल, सी बर्लो, डी रोजर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज आल्सो यूज्ड एज ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन ए 2,4-D, बी क्लोरपाइरीफास, सी एथाइलीन, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2,4-D, ग्रोथ हार्मोन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्षमता दर्शाता है, ऑप्शन ए LED, लीफ एरिया ड्यूरेशन, बी LAI, लीफ एरिया इंडेक्स, सी RGR, रिलेटिव ग्रोथ रेट, डी NAR, नेट एसिमिलेशन रेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नेट एसिमिलेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 50, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन ए शुगर केन, बी राइस, सी व्हीट, डी मेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बी एमिनो एसिड्स, सी साइटिक एसिड्स, सी डी एंजाइम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। 52, DUS टेस्ट इज फॉर टेस्टिंग, ऑप्शन ए इरिगेशन, बी वेरिएशन इन क्रॉप वैरायटीज, सी कैटल ब्रीड्स, डी मिल्क प्योरिटी। इसका सही उत्तर है वेरिएशन इन क्रॉप वैरायटीज, फसलों किस्म में भिन्नता मापने के लिए DUS टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, द बैक्टीरिया दैट फिक्सेस नाइट्रोजन आफ्टर बिकमिंग एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द रूट मॉडल्स रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज, ऑप्शन ए माइकोराइजा, बी एक्टिनोमासिटीज, सी बैसिलस, डी राइजोबियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एग मार्क लोगो इज डिनोटेड ऑन, ऑप्शन ए सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सी एग्रीकल्चरल, डी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एक मार्क का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्रॉप्स ग्रोन ऑन एसिड सल्फेट सॉइल सफर मेनली ड्यू टू, ऑप्शन ए लो पीएच, बी एल्युमिनियम आयरन और मैग्नीज की घुले हुए होते हैं आयंस घुले होते हैं, सी एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी होती है, डी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस पायराइट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दूध में पाई जाने वाली ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसैकेराइड शर्करा है, ऑप्शन ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है, ऑप्शन ए मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, बी स्टडी टूर्स, सी सिंपोजियम्स, डी वर्कशॉप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, टिटकेल इज ए क्रॉस बिटवीन ऑप्शन ए व्हीट एंड राई, बी व्हीट एंड बाजरा, सी बाजरा एंड राई, डी व्हीट एंड मेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्हीट एंड राई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हीट ट्रैपिंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन ऑप्शन ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी टेम्परेट क्लाइमेट, सी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेम्परेट क्लाइमेट में हीट ट्रैपिंग लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 60, संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है ऑप्शन ए 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 10 से 12 किलोग्राम, सी 20 से 25 किलोग्राम, डी 18 से 20 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है 18 से 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कैटेगरी ऑफ प्लांट कंपटीशन इन व्हिच यील्ड ऑफ ईच स्पीसीज इज ग्रेटर एक्सपेक्टेड इज ऑप्शन ए म्यूचुअल इनहिबिशन, बी म्यूचुअल कोऑपरेशन, सी कंपनसेशन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यूचुअल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, न्यूट्रिएंट आल्सो नोन एज अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी मोलिब्डेनम, डी जिंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स ऑप्शन ए मियोसिस, बी माइटोसिस, सी मेल स्टेरिलिटी, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई ऑप्शन ए 1928, बी 1934, सी 1935, डी 1955। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज यूज्ड एज प्रोपेगेशन टेक्निक इन महाराष्ट्र फॉर व्हिच फ्रूट क्रॉप्स ऑप्शन ए मैंगो, बी पपाया, सी बनाना, डी गुआवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैंगो में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया है ऑप्शन ए रेटूनिंग, बी थ्रेसिंग, सी रेटिंग, डी स्मैशिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, साइट ऑफ वर्नलाइजेशन विद सीड इज ऑप्शन ए रेडिकल, बी सीड कोट, सी प्लूमेल, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रांकुर या प्लूमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कैट फेस इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए ओकरा, बी टोमेटो, सी कॉलीफ्लावर, डी ओनियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टोमेटो या टमाटर, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर्स द मोबाइलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड जर्मिनेटिंग सीड्स ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, बी जिब्रेलिक एसिड, सी साइटोकिनिन, डी इथाइलिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 70, RKBY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई ऑप्शन ए 9th 5-year plan, बी 10th 5-year plan, सी 11th 5-year plan, डी 12th 5-year plan। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11th 5-year plan। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, फ्लेमिंग एज एन
अल्टरनेटिव बीट कंट्रोल टूल, कंट्रोल बीट प्राइमरली बाई ऑप्शन ए डिसिसलेशन ऊतक का सूखना, बी कोशिका झिल्ली का फटना, सी झिल्ली एकात्मकता की हानि, डी झिल्ली प्रोटीन का जमाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली का फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी अमोनियम सल्फेट, डी अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरिया ऑर्गेनिक नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 73, द हेड क्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज एट। ऑप्शन ए रोम इटली, बी कोलंबो श्रीलंका, सी हैदराबाद इंडिया, डी मनीला फिलीपींस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल्स वेरीज डायरेक्टली विद। ऑप्शन ए कैपिलरी पोरोसिटी, बी नॉन कैपिलरी पोरोसिटी, सी टोटल पोरोसिटी, डी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टोटल पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, बीटल इज द इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर। ऑप्शन ए लेपिडोप्टेरा, बी हेमिप्टेरा, सी थाइजोनोप्टेरा, डी कोलियोप्टेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द हेड क्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए वर्ल्ड WMO, बी IPRI, सी आईकार्डा, डी वर्डा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए WMO वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए इजिप्शियन क्लोवर, बी अल्साइक क्लोवर, सी व्हाइट क्लोवर, डी क्रिम्सन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इजिप्शियन क्लोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच एलिमेंट इज डिफिशियंट इन मिल्क। ऑप्शन ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरन। क्वेश्चन नंबर 79, पेक्टिन कंटेंट कैन बी मेजर्ड बाई। ऑप्शन ए ड्रॉप टेस्ट, बी एल्कोहल टेस्ट, सी सीड टेस्ट, डी टेट्राजोलियम टेस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्कोहल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द मेथड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड इन एरियाज ऑफ अनरिलेटेड टोपोग्राफी इज। ऑप्शन ए फ्लड इरीगेशन, बी स्प्रिंकलर इरीगेशन, सी ड्रिप इरीगेशन, डी सब सरफेस इरीगेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्प्रिंकलर इरिगेशन या छिड़काव सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वाटर यूज इफिशेंसी इज मैक्सिमम इन। ऑप्शन ए C3 प्लांट्स, बी C4 प्लांट्स, सी कैम प्लांट्स, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैम प्लांट्स की वाटर यूज इफिशेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सॉइल्स दैट आर कंपोज ऑफ 80 to 100% सैंड, 0 to 10% सिल्ट एंड 0 to 10% क्ले बाई बालूम इज जनरली नोन एज। ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, बी लोम सॉइल, सी क्ले सॉइल, डी एसिडिक सॉइल।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैंडी सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैन्योर नाइट्रोजन इफिशियंसी इज, ऑप्शन ए खाद नाइट्रोजन की खनिज अंश, बी फसलों के अवशेषण के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुपात, सी नाइट्रोजन उर्वरक जो खाद नाइट्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, डी फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजीकृत नाइट्रोजन का भाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैन्योर नाइट्रोजन इफिशियंसी का मतलब है फसलों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन और पार्ट ऑफ मिनरलाइज नाइट्रोजन अवेलेबल टू क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 84, मिल्क वेन इन काउ कंटेंस, ऑप्शन ए मिल्क, बी वाटर, सी ब्लड, डी मिल्क एंड ब्लड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साइंटिफिक नेम ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर इज, ऑप्शन ए मारूका बिट्राटा, बी एग्रिलस रूफिकोलिस, सी ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, डी एमस्कटा आल्बिस ट्रीगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एमस्कटा आल्बिस ट्रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, स्टूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक फॉर, ऑप्शन ए मैंगो, बी पोमग्रेनेट, सी गुआवा, डी आंवला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल है, ऑप्शन ए एडहेजन, बी मैट्रिक फोर्स, सी कोहेजन, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोहेजन या संसंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किस तत्व के अंतर कोशिकीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं, ऑप्शन ए सोडियम, बी सिलिकॉन, सी निकिल, डी वेनेडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑप्शन ए अमोनिया टू नाइट्रेट, बी अमोनिया टू नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, डी नाइट्रोजन टू अमोनिया। इसका सही उत्तर है अमोनिया से नाइट्रेट में परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने के में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है, ऑप्शन ए आइसोपाम, बी टीबीओज, सी एनमूप, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये सभी स्कीम आयल सीड्स के लिए चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकली इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, ऑप्शन ए कापर क्रोमियम एंड जिंक, बी कापर कैडमियम एंड जिंक, सी कापर मर्क्यूरी एंड जिंक, डी कापर पैलेडियम एंड मर्करी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कापर क्रोमियम एंड जिंक, ये ट्रेस एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा एक क्राउन गॉल डिजीज रोग का कारक है, ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोबैक्टर, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, सी बैसिलस थुरिंजियंसिस, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य है, ऑप्शन ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी सिक्किम।
क्वेश्चन नंबर ओ सॉरी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिजो सिक्किम पूर्णतया ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इंड्यूस्ड विद ऑप्शन ए विटामिन ए बी लाइसिन सी मेथियोनिन डी विटामिन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, LD50 की इकाई क्या है लेथल डोज 50। पशु शरीर ऑप्शन ए पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति ग्राम बी पशु शरीर भार का ग्राम सी पशु शरीर भार का किलोग्राम प्रति ग्राम डी पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द अपर लिमिट ऑफ सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज ऑप्शन ए अस्थाई प्लस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट बी फील्ड कैपेसिटी सी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशियंट डी माइटिक सेक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षेत्र धारिता या फील्ड कैपेसिटी, ये अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द रोल ऑफ फाइटो साइडेरो फोर्स इज ऑप्शन ए वाटर रिटेंशन बी अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सी कंट्रोल ऑफ पेस्ट डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, TPS प्रोडक्शन या टू पोटैटो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए पोटैटो बी टोमेटो सी कैरेट डी ओनियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, रिलेटिव बीट्स आर ऑप्शन ए प्लांट्स ऑफ अदर क्रॉप बी प्लांट्स ऑफ सेम क्रॉप बट डिफरेंट वेराइटी सी सीजनल बीट्स डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लांट्स ऑफ अदर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टू वन टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स ऑप्शन ए मॉन्ट मोरलोनाइट बी क्योरिनाइट सी स्पेक्टाइट डी इलाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्योरिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, कलिंग मींस ऑप्शन ए घरेलू पशुओं की एक प्रणाली बी पशुओं का भोजन प्रदान करने वाली करने की एक प्रणाली बी अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रक्रिया डी सींग हटाने की प्रणाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 102, बोर्डोस मिक्सचर इज कंपोज ऑफ ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और वाटर या जल बी कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम कार्बोनेट सी कॉपर सल्फेट लाइम स्टोन एंड वाटर डी कॉपर सल्फेट ओनली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट लाइम स्टोन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए रायपुर छत्तीसगढ़ बी मालेगांव महाराष्ट्र सी रांची झारखंड डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रांची झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, व्हिच क्रॉप इज नोन एज एम्फी डिप्लॉयड ऑप्शन ए मेज बी राइस सी व्हीट डी पी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज टीयर ड्रॉप्स ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन बी गुटेशन सी इवेपोरेशन डी इवेपो ट्रांसपिरेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुटेशन या बिंदुस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106,
क्राइजेंथेमम इज प्रोपेगेटेड बाई ऑप्शन ए टर्मिनल कटिंग्स एंड रूट सकर्स, बी सीड्स, सी सकर्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टर्मिनल कटिंग्स एंड रूट सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, जिंक सल्फेट शुड नॉट बी मिक्स्ड एनी टाइम विद ऑप्शन ए यूरिया, बी डीएपी, सी एसएसपी, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डीएपी। दोस्तों जिंक सल्फेट यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हैं लेकिन किसी भी फास्फेट फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए डीएपी और एसएसपी के साथ भी नहीं मिक्स कर सकते। लेकिन अब इसमें यूरिया भी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो डीएपी होगा, डाई अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, एन इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ आईसीआर व्हिच इज एम्ड एट रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर इज ऑप्शन ए फार्मर फर्स्ट, बी स्टूडेंट्स ऑफ रेडी, सी मेरा गांव मेरा गौरव, डी आर्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्या। दोस्तों आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसे फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, व्हीट लीफ रस्ट डिजीज इज ए ऑप्शन ए बैक्टीरियल डिजीज, बी वायरल डिजीज, सी फंगल डिजीज, डी फाइटोप्लाज्मल डिजीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फंगल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सेंसर टाइप बीट सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज फाउंड इन ऑप्शन ए सोरघम हेलिपेंस, बी सिरसियम आर्बेंस, सी आर्जिमोन मैक्सिकाना, डी टाइफा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, अंतःश्रवण निक्षारण हानि के मापन के लिए मृदा का एक कॉलम नियंत्रित स्थितियों में कहलाता है ऑप्शन ए इनफिल्ट्रोमीटर, बी इवेपोरीमीटर, सी साइक्रोमीटर, डी लाइसीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, टी डी एन का विस्तार है ऑप्शन ए टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, बी टोटल ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट्स, सी टोटल डाइट्री न्यूट्रिएंट्स, डी ट्रांस डाइट्री न्यूट्रिएंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ पोटास ऑप्शन ए रॉक फास्फेट, बी बेसिक स्लैग, सी बोन मील, डी फ्लाई एश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लाई एश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें किसके कारण होती हैं ऑप्शन ए ड्यू फ्रॉम द एयर, बी ऊजिंग ऑफ लीफ सैप, सी वाटर फ्रॉम गुटेशन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाटर फ्रॉम गुटेशन या बिंदुस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, केला में जनन होता है बनाना इज प्रोपेगेटेड बाई ऑप्शन ए विनियर ग्राफ्टिंग, बी सीड्स, सी एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, डी टिश्यू कल्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, कैंट इज एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शन ए बरसीम, बी लूसर्न, सी सोयाबीन, डी ओट। इसका सही उत्तर है ओट जई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, व्हिच इज नॉट इजी टू अडॉप्ट बाई एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया
ऑप्शन ए जीरो टिलेज, बी ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी प्रिसीजन फार्मिंग, डी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिसीजन फार्मिंग या परिशुद्धता कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच इक्विपमेंट डील्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज बोथ। ऑप्शन ए देसी प्लाउ, बी डिस्क हैरो, सी मोल्ड बोर प्लाउ, डी रोटावेटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देसी प्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, अरंडी तेल का एक उपोत्पाद जी जो जेट बागवानों में स्नेहल के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। ऑप्शन ए एरुसिक एसिड, बी रिसिनोलिक एसिड, सी सेबेसिक एसिड, डी अराइजिडिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेबेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, अमंग्स द एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल मैक्सिमम मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए ब्राउन स्विस, बी आयरशायर, सी जर्सी, डी होलस्टीन फ्रिजियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होलस्टीन फ्रिजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, बर्मी कंपोस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोस्टिंग प्रोसेस यूजिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ। ऑप्शन ए इंसेक्ट, बी अर्थवर्म्स, सी बैक्टीरिया, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थवर्म या केचुआ। क्वेश्चन नंबर 122, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने की आसंकित यंत्र है। ऑप्शन ए बिनोच, बी पार्सल फ्लूम, सी वाटर मीटर, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्सल फ्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, बी फिजिकल, सी सेनेटरी, डी जेनेटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना कहलाता है। ऑप्शन ए रेटिंग, बी ब्लांचिंग, सी पास्चराइजिंग, डी थ्रेसिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओ सॉरी ऑप्शन बी ब्लांचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए डी एंड के, बी विटामिन ए एंड बी, सी विटामिन बी एंड डी, डी विटामिन डी ओनली या विटामिन डी केवल। इसका सही उत्तर है फैट सोल्यूबल्स विटामिन आर विटामिन ए डी एंड के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।